फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई कंपनी। मैं हूँ गीता। वैसे तो चिकन करी की अलग अलग अनगिनत रेसिपीज देश भर में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और हर एक डिश अपने आप में स्पेशल होती है। तो आज रसोई कंपनी में मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है चिकन अफगानी। तो चलिए देखते हैं घर पे आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। चिकन अफगानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरह बड़े साइज में कटा हुआ प्याज, 1/4 कप हरा धनिया, लहसुन की 4 कलियां, 1 से 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक और 1 से 2 बड़ा चम्मच तेल। इन सबको मिक्सर में एकदम बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमारा ये हरा मसाला तैयार हो गया। अब इसे एक बोल में निकाल लें और फिर इसमें ऐड कर लें 1 कप दही, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। फिर इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर ले। अब एक बोल में ले 1/2 किलो करी कट चिकन और इसमें ऐड करें अंदाज से पहले बनाया हुआ मसाला। इसे अच्छे से चिकन में मिलाकर मैरिनेट कर ले। मसाला चिकन में मिक्स हो जाने पर इसे इस तरह से एक एक कर ट्रे में निकाल ले और फिर इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट के लिए ओवन में रोस्ट कर ले। ये देखिए, हमारा चिकन बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब एक पैन में ले 2 बड़ा चम्मच घी। घी गर्म होने पर डाले इसमें 1 इंच दालचीनी और 2 हरी इलायची। इनको हल्का भून लेने के बाद इसमें हम डालेंगे पहले तैयार किया हुआ हमारा हरा मसाला। इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून ले। इसे तब तक चलाते रहे जब तक इसका कलर हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। मसाला तैयार हो जाने पर इसमें ऐड करें रोस्ट किया हुआ चिकन और फिर सारे मसालों को चलाते हुए चिकन में ठीक से मिक्स कर ले। अब इसमें अंदाज से थोड़ा पानी डाल लेंगे। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा पकने दे। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे और फिर से ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और साथ ही में हरे धनिया के पत्तों के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए, हमारा अफगानी चिकन हो गया है रेडी। वेल, तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगली बार जब भी घर पर मेहमान आए तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि नॉनवेज के शौकीन इसे देखकर इसे खाने से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेल, आई होप कि हमारा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।